हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप से लेन देन कैसे कर सकते हैं। इसमें भी एक UPI का ऑप्शन दिया गया है, तो आज इसी के ऊपर एक टॉपिक है, छोटी सी वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सबको अपडेट में दे दूँ। तो इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप अपना व्हाट्सएप है उसको अपडेट कर लें लेटेस्ट वर्जन पर। अभी ये थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है कि आपका अपडेट नहीं है तो अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सएप का, तो उसको अपडेट कर लें। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी पहले से मैंने अपडेट किया हुआ है, तो कुछ टाइम ही पहले मैंने अपडेट किया है। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप में चलते हैं। व्हाट्सएप में जाने के बाद में तीन जो डॉट हैं, जो तो तीन बिंदियाँ साइड में, इस पर हम ओके करते हैं। और यहाँ पे पेमेंट्स लिखा हुआ है, पांचवा ऑप्शन है, उस पर ओके कर देते हैं। सेटिंग से ऊपर का आएगा, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे ओके करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको सामने आएगा। तो आप और यहाँ पे अपना बैंक चूज कर लें, आप अपने हिसाब से आपका अकॉर्डिंग से जो भी आपका बैंक है। ठीक है, तो जो मेरा बैंक है वो फाइन क्रेडिट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वो ज़रूर मिलेगा, और जितने भी टोटल बैंक होंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए मेरा मिल चुका है, यहाँ पे वेरीफाई पे करते हैं। ध्यान रहे मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में रहना चाहिए मौजूद, जिससे आपका अकाउंट लिंक है। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। बाकी हम इस पर ओके करते हैं वेरीफाई पे, और यहाँ पे अलाउ कर दें दो बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये SMS से आपके बैंक को वेरीफाई करेगा। ओके, तो उसके बाद आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, बैंक को करेगा, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, उसको वेरीफाई कर रहा है, सही है गलत है, तीन ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ हो चुका है। अब ये फाइंड अकाउंट, लास्ट में जो फाइंडिंग अकाउंट है, देखिए हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा ये ब्लैक दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार करें आप। आए देखिए, ऊपर मैसेज आ चुका है, और ये इस वजह से हो चुका है कि थोड़ा सर्विस स्लो होने की वजह से, और जो वीडियो क्रैश हो गया हल्का सा, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही है। तो ये मैं देख नहीं पाया, नहीं तो मैं इसको थोड़ा बीच में से जो क्लिप को रिमूव कर देता। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको सब दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो इसमें आपका जो प्रोसेस मैंने बताया है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो चुका है, और ये सब जो पेमेंट का ऑप्शन था, जो ये थोड़ा ही टाइम लग रहा है, बस जस्ट थोड़ी देर में ही काम हो जाएगा यहाँ पे। और इंटर UPI, यहाँ पे हम UPI पिन डाल लेते हैं कोई भी एक। UPI का मतलब ये है कि इसमें आप UPI नंबर डाल सकते हैं, कोई भी ID डाल सकते हैं, और उसमें डालने के बाद में उसमें पेमेंट कर सकते हैं, ये मैंने ऑप्शन बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी आपका कोई मोबाइल नंबर है, जैसे फ़ोन पे का होता है मोबाइल नंबर, उसके बाद @YBL होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले 1 रुपये पेमेंट करते हैं, यहाँ पे 1 रुपये डालते हैं, 1 रुपया लिखते हैं, और उसके बाद में ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, बाकी आप ना करें। यहाँ पे सेंड पेमेंट पे ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रदर को भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म और कंटिन्यू कर दें। ये तो फिर ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक जो ये किया है, यहाँ पे मैं अपना MPIN डाल रहा हूँ जिसको आप। ठीक है, तो देखिए वेरीफाई हो चुका। ठीक है, जिसको डेबिट कार्ड रुपए कार्ड बोलते हैं, उसके लास्ट जो 6 अंक होते हैं वो मैंने डाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, सॉरी प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी। ठीक है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, और आपको अब ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, ग्रीन टिक आ चुकी है। तो इस तरीके से, तो यहाँ से ग्रीन टिक
हो गई है और ये पेमेंट भेज दिया गया है, और ये जिसका भी अकाउंट है और उसमें चला जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको QR कोड है उसके बारे में बता देता हूँ। जहाँ पे ऊपर नाम दिख रहा है वहाँ पे QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी को भी आप अगर QR कोड भेजते हैं और वो आपको स्कैन करके पेमेंट करता है तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट चले आएंगे। ठीक है, तो ये तो इसकी बात रही। इसके अलावा आप कोई भी और भी अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पेमेंट पे ओके करेंगे इसके अलावा, और यहाँ पे और भी आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास अकाउंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ जो न्यू पेमेंट मेथड, इस पर ओके जाके आप करें और नया कोई भी अकाउंट आप जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटी सी वीडियो थी मैं आपके लिए लेके आया था, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नई वीडियो आने के लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।